प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज माननीय कल्याण सिंह जी का आज जन्म दिवस है। जो कल्याण सिंह राज्यपाल रहे, हिमाचल प्रदेश के रहे, राजस्थान के रहे और यूपी के कई बार सीएम रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तो आज उन्हीं का जन्मदिन है। और जन्मदिन पर अलीगढ़ में मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वह एक कचौड़ी की दुकान है और इस कचौड़ी की दुकान से कल्याण सिंह का बहुत बड़ा नाता है। वह इसलिए क्योंकि वह अपने जन्म से जैसे जैसे बड़े हुए, युवा में उन्होंने कदम रखा, राजनीति में आए और उनकी लगभग डेथ तक वह इस कचौड़ी को खाते खाते बड़े हुए और उनके लिए ये कचौड़ी बहुत महत्वपूर्ण रहती थी। यहाँ तक कि जब वह राज्यपाल थे राजस्थान के, तो जब कोई यहाँ से जाता था तो वह उससे कहते थे कि वहाँ से सिब्बो जी की कचौड़ी मेरे लिए पैक करा लाना। तो आइए दिखाते हैं हम कैसे बन रही है और उनके ओनर से बातचीत कराते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ कचौड़ियाँ देसी घी में तैयार की जाती है। ये कचौड़ियाँ और देसी घी में ही सब्जी है। ये है रायता प्योर और ये बेसन के लड्डू, वो भी देसी घी के। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं कचौड़ियाँ। और देखिए मैं आपको दिखाऊं, देखिए थाली में प्रॉपर वे में परोस के खिलाया भी जाता है। ये देखिए, तो आइए हम मिलवाते हैं अब यहाँ के ऑनर से और जानकारी लेते हैं पुराने समय की। इस सिब्बो जी की कचौड़ी के जो ऑनर हैं उनसे मिलवाते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम हरिओम शर्मा, सिब्बो जी। हरिओम जी, जैसा कि कल्याण सिंह का जन्म दिवस है और कल्याण सिंह का जब सुना जाता है कि इस सिब्बो जी की कचौड़ी से बहुत बड़ा नाता था, वह अपने युवापन से अपने वृद्धावस्था और जो जो उन्होंने उपलब्धि की इस दौरान जहाँ भी वह रहे, वह उन्होंने कभी कचौड़ी खाना नहीं छोड़ा। वो अगर उनका जन्मदिन है तो अपने फ्रेंड अलीगढ़ में थे तो अलीगढ़ में भी उन्होंने कचौड़ी मंगाते थे और 20-25 बच्चे 40-40 और अतरौली में भी पहुंच जाते थे भाईजान गांव में, तो वहां भी और यहां तक कि राज्यपाल बने वहां पे भी उन्होंने कचौड़ी खाना नहीं छोड़ा कभी। बहुत प्यार करते थे, उन्हें क्वालिटी बहुत पसंद थी, उन्हें कहीं की कचौड़ी पसंद ही नहीं आती थी। और यही एक नाता उनका पूजनीय है, उन्होंने कभी भी अलीगढ़ से लगाव कभी कम नहीं किया। तो देखा यहाँ से कचौड़ी, ये कहें अगर कि उनका जो पेट का रिश्ता था यहाँ से तो वह अतिशोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से देसी घी में बनाई जाती है? हाँ, टोटल पूरी कचौड़ी, बेसन का लड्डू, जलेबी, मूंग की दाल का हलवा, सब टोटल देसी का प्रिपरेशन है। और इसीलिए ही लोग क्वालिटी बढ़िया होने की वजह से यहाँ लोग पसंद करते हैं खाना। कितने साल पुरानी है आपकी दुकान? कम से कम 100 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि हमारी चौथी पीढ़ी काम कर रही है इस काम में। अच्छा, जैसे कल्याण सिंह जी के डेथ के बाद अब उनके जो सुपुत्र हैं राजवीर सिंह, राजू भैया, क्या वो भी पसंद करते हैं, मंगाते हैं? जब बचपन से उन्होंने खाई है अपने पापा के साथ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता कि जो चीज़ जिस आदमी के मुँह में एक बार स्वाद आ जाता है तो वो कभी नहीं छोड़ सकता। वो भी बहुत खाते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद है। पर जो कचौड़ी खाने आए हैं उनसे मैं बातचीत कराता हूं। तो आपका नाम? मेरा नाम अतुल सराफ। अतुल जी, आप यहां कब से खा रहे हैं? मैं लगभग 45 साल से कचौड़ी खा रहा हूं। 45 साल से लगातार? तो कुछ बताएं कचौड़ी के बारे में कैसा स्वाद है। मेन चीज तो इनकी ये है, इन्होंने अपना टेस्ट चेंज नहीं किया है 45 साल से। वही टेस्ट है। और शायद ही मैंने कहीं की कचौड़ी किसी की आई हो, बहुत रेयर केस में खाई होंगी, इनके अलावा कचौड़ी खाते ही न स्वाद आता किसी की। 45 साल। तो देखिए यहाँ 45 साल से लगातार ये कचौड़ी खा रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ की कचौड़ी किस तरीके से प्रसिद्ध होंगी और उसमें क्या स्वाद होगा। तो देखा आपने कि कल्याण सिंह को क्यों पसंद थी यहाँ की कचौड़ियाँ और वह किस तरीके से लगाव रखते थे यहाँ की कचौड़ियों से। तो देखते रहिए आप प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।